आना है। समझ आई मेरी बात? कैसे होगा वो? और हाँ, पानी को जो है हम सिप सिप करके पियेंगे, और कभी भी पानी खड़े होके नहीं पीना है। मेरी अभी मजबूरी थी, फिर भी मैंने टेक लगा के वहां पानी पिया। ठीक है, पानी हमेशा बैठ के पीना है। और अगर उकड़ू बैठ के, सुबह सुबह जब आप उठते हो, अगर आप उकड़ू बैठ के पानी पियोगे ना, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप पानी पी सकते हो, सुबह हल्का सा निवाया पानी पी सकते हो, 32 हर्ब्स टी या कोई भी हर्ब टी ऐसी ले सकते हो। और जो आपका खाना है वो मैंने आपको बता दिया है, जो आपका थम का, आपके अंगूठे का जो नखून है उतना होना चाहिए, और उसे भी 32 बार चबाना है, ताकि जितना आपका सलाइवा है वो प्रॉपरली मिक्स होके जाए और वो एक मेडिसिन की तरह एक्ट करे। मतलब जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, वो मुंह से ही शुरू हो जाता है, लेकिन हम उस आधे प्रोसेस को तो खत्म ही कर देते हैं, सीधा अंदर अंदर अंदर, और उसके ऊपर पानी 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 ऐसा ही करते हैं सब। खाने के साथ पानी कौन कौन पीता है? दिखाओ दिखाओ, हाथ खड़े करो, इतने कम तो नहीं होंगे, जल्दी पीछे वाले आंटी इधर उधर ना देखो, हाथ खड़ा कर लो। पीते हो ना? पिंक साड़ी वाली नहीं पीते? ठीक है, इधर उधर देख रहे हो, मैं देखूं कितने लोगों ने उठाया, फिर उठाऊंगी। यहाँ खाने से आधा घंटा पहले या आधे घंटे बाद, और अगर बीच में पीना है तो थोड़ा सा सिप पी सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पीना है, अगर प्रॉब्लम कोई हो रही है, ऐसा ना हो खाना चोक हो जाए, आचार्य जी ने मना किया तो हम नहीं पियेंगे। अगर खाना चोक हो जाए, इसीलिए छोटी बाइट बोला है, अगर छोटी बाइट होगी तो कोई चोकिंग भी नहीं होगी, बट कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता है तो थोड़ा बहुत पानी बीच में ले सकते हो। और खाने के बाद जो पानी लेना है वो गर्म पानी पियो। ठीक है, अगर आपने बाहर की कंट्रीज, जो रशियन कंट्रीज होती हैं, आपने देखा होगा कितने चमकते गाल होते हैं उनके, ऐसा कुछ होता है? फोन तो देखते हो, टीवी तो देखते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता? हम गए नहीं, लोग तो वैसे ही हैं, या लोगों के चेहरे भी बदल गए? कश्मीर के जो होते हैं या जो अप, हाँ, हिल्स के होते हैं, उनके भी कितने गाल, वो लोग सब गर्म पानी पीते हैं खाने के बाद, तो वो बेनिफिशियल रहता है बॉडी के लिए ना। कश्मीरी जो भी होते हैं, कावा, वो कावा पीते हैं ना खाने के बाद। अब कावा इज नॉट अ चाय, उसमें भी क्या है, वो कुछ जड़ी बूटियां डाल के रखते हैं, तो वो वैसे ही बेनिफिशियल है। ऐसे ही जैसे हम 32 जड़ी बूटियों वाली चाय की बात करते हैं या ग्रीन टी की बात करते हैं, वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, डाइजेशन में हेल्प करती है। समझ आया सबको कैसे खाने की बात करनी है? सुबह 5 से 6 के बीच में उठने वाले कितने लोग हैं?